हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 10 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो कि लेसन जीवों में जनन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पुष्प जो होते हैं या पौधे जो होते हैं उनमें जनन कैसे होता है और उनमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो पुष्पी पौधे होते हैं उनमें जनन कैसे होता है। तो उसके पहले जो है हम लोग आज पुष्प की संरचना के बारे में जो है फुल डिटेल में जो है जानकारी प्राप्त करेंगे कि पुष्प जो होता है उसके अंदर कौन पार्ट होता है, किसका क्या कार्य होता है, ठीक है, और जनन कहाँ पे होती है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि पुष्प की परिभाषा क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं कि पुष्प जो होता है तने का एक रूपांतरित भाग होता है। मतलब कि ये जो पुष्प होता है ये तने का ही एक रूपांतरित भाग होता है जो बाद में जो है जाकर के फूल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो पुष्प होते हैं पुष्प के अंदर और कौन कौन से भाग होते हैं, तो आइए उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। उसके पहले ये डायग्राम मैंने जो है पुष्प का बनाकर रखा हुआ है, तो पहले मैं आप लोग को इस डायग्राम के माध्यम से जो है पुष्प के अंदर पाए जाने वाले सारे अंगों के बारे में बताऊंगा। तो जो कोई भी पुष्प होता है तो उसके अंदर जो है मेनली चार पार्ट मेन हम लोग मानते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहला पार्ट जो है वह है दलपुंज, जिसको कैलिक्स कहते हैं। सेकेंड नंबर पे आता है दलपुंज, जिसको करोला कहते हैं। थर्ड नंबर पे पुमंग, जिसको इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और फोर्थ नंबर पे है जायांग स्त्रीकेसर, जिसको इंग्लिश में गाइनोसियम कहते हैं। यहाँ पे पुमंग जो होता है ये नर जनन अंग होता है पुष्पों में, और जायांग या स्त्रीकेसर जो होता है ये मादा जनन अंग होता है। तो मेनली जो है ये चार पार्ट जो होते हैं पुष्प के मेन होते हैं। इसके अलावा भी और पार्ट होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अब पुष्प में देखते हैं कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैंने पुष्प का एक डायग्राम बना करके रखा हुआ है, सभी लोग जो है पुष्प देखे ही होंगे, ठीक है, और उसमें जो है पंखुड़ी देखे होंगे, उसके अंदर और भी बहुत से चीज़ें देखे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसमें पाया जाता है। तो पुष्प के अंदर जो है सबसे नीचे हम लोग देखते हैं कि एक फूला हुआ भाग पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन या पेटियोल कहते हैं, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हरे कलर की पत्ते की आकार की जो है संरचना होती है, जो अंदर पुष्प के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाह्य दलपुंज कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कैलेक्स कहते हैं। ये जो है पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है और हरे रंग का होता है। उसके जस्ट ऊपर हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं तो हम लोग को जो है कलरफुल लाल पीला नीला सफेद जो है पंखुड़ियां हमको दिखाई देती हैं, जो कि पुष्प का सबसे खूबसूरत भाग होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं करोला, ठीक है। ये पुष्प का सबसे जो है खूबसूरत भाग होता है, और इसी को देख करके जो है कीट जो होते हैं या मधुमक्खी जो होती है या और भी जो छोटे कीट होते हैं वो इनके तरफ आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया भी होती है। अभी बाद में मैं आप लोग को परागण भी बताऊंगा कि क्या होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग का पुमंग है, जो कि नर जनन अंग होता है। तो पुमंग क्या होता है, तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि ये पतली सी एक डंठल गई हुई है और इसके ऊपर टोपी की तरह संरचना लगी हुई है। तो ये जो गोल वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोष कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एंथर लोब कहते हैं। और ये जो फूली हुई संरचना है, ठीक है, ये पुष्प में ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ मैंने दो ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस परागकोष के अंदर जो होती है, परागकोष की संरचना ऐसी होती है, थोड़ा सा और इसको हम जो अगर बनाना चाहें तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ऐसे होते हैं, और इसके अंदर जो है अनगिनत परागकण लगे होते हैं, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं, ठीक है। और ये जो परागकण होते हैं ये नर युग्मक होते हैं। पुष्प में नर युग्मक, अगर कभी बहुविकल्पी का क्वेश्चन होता है कि पुष्पी पौधों में नर युग्मक कौन होता है, तो वहां पे हम लोग का ये परागकण, ठीक है, परागकोष के अंदर जो है नर युग्मक परागकण हम लोग के लगे होते हैं। जब ये परागकोष फट जाता है, यहाँ से परागकोष फट जाता है, तो सभी परागकण जो है इधर उधर फैल जाते हैं, हवा के माध्यम से कीट के माध्यम से जो है वर्तिकाग्र पे पहुंचते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। तो इस परागकोष के जस्ट नीचे वाली डंठल वाली जो पाइप की तरह संरचना है उसको हम लोग पुतंतु या फिलामेंट कहते हैं, और इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम कहते हैं, जो कि नर का क्या है,
जनन अंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड हम लोग का आता है जायांग, जिसको स्त्री केसर या मादा जनन अंग कहते हैं। तो ये जो है पुष्प का सबसे सेंटर वाला भाग होता है, सबसे टॉप पे जो होता है ये हम लोग का वर्तिकाग्र होता है, जिसको स्टिग्मा कहते हैं। और ये पतली सी जो पाइप की तरह हम लोग को संरचना दिखाई देती है, इसको वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। इसी के नीचे जब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और नीचे, तो एक फूली हुई संरचना हम लोग को दिखाई देती है। इस पूरे फूली हुई संरचना के अंदर जो मैंने ये बनाया हुआ है, इसको अंडाशय, और पूरे फूले हुए भाग को हम लोग बीजांड कहते हैं। और इसी बीजांड के अंदर ही बीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये तो पूरा था पुष्प के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें निषेचन कैसे होता है। तो मैंने बताया कि ये जो पराग कोष होते हैं, पराग कोष के अंदर जो होते हैं पराकण लगे होते हैं। ये पराग कोष जब फटते हैं तो ये सभी पराकण यहाँ से निकल करके मादा के वर्तिकाग्र पर किसी न किसी माध्यम से जो है पहुँचते हैं। और यहाँ पहुँचते हैं तो मादा के वर्तिकाग्र से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जो इन पराकणों को क्या करता है, इस पे चिपका लेता है। और चिपकाने के बाद जो है कुछ घंटों के बाद वो धीरे धीरे जो है अंकुरित होने लगते हैं। अंकुरित होकर के ये बनाते हैं पराग नलिका, जिसको पोलन ट्यूब कहते हैं। और ये धीरे 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 जो है बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। और बीजांड के अंदर प्रवेश करने के बाद जो है इस मादा के अंडाशय के अंदर प्रवेश करके मादा के अंडाणु के साथ मिलकर के द्विगुणित जाइगोट, जिसको युग्मनज कहते हैं, का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो द्विगुणित जाइगोट या युग्मनज होता है वो आगे चल करके भ्रूण बनाता है, और उस भ्रूण से ही एक नए बीज का निर्माण होता है। तो ये पूरा संपूर्ण जो हम लोग का है, एक पुष्प के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किनका क्या कार्य होता है, ये मैंने बताया। आइए इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग का जो है यहाँ पे वाह्य दलपुंज है। तो हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यह पुष्प का सबसे बाहरी हरे रंग का भाग होता है, जो पुष्प के कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। वाह्य दलपुंज का काम ही यही है कि पुष्प के अंदर जो भी कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हम लोग का आता है दलपुंज, जिसको हम लोग कैरोला कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यह पुष्प का सबसे आकर्षित करने वाला भाग होता है। यह लाल, पीला, सफेद रंग का होता है। यह परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। मतलब ये जो दलपुंज होता है ये परागण की क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। क्यों? क्यों ये जो है लाल, हरे, पीले रंग के होते हैं, तो इनको देख करके ही जो कीट होते हैं वो इनके तरफ आकर्षित होते हैं। और जिसके वजह से जो है ये जो परागकण होते हैं उनके पैरों में चिपक करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प के ऊपर चले जाते हैं। और इसी क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग का आता है पुमंग, जिसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। ये हम लोग का जो होता है लिख सकते हैं इसकी परिभाषा, यह पुष्प में नर जनन अंग होता है, और यह दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, एक मैंने लिखवाया ऊपर क्या पराग कोष, और दूसरा हम लोग का क्या है पुतंतु। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं पुमंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का जो है फोर्थ नंबर पे आता है जायांग या स्त्री केसर।
तो हम लोग जो है इसको बोलते हैं गाइनोशियम, इंग्लिश में इसको गाइनोशियम बोलते हैं। इसकी अगर परिभाषा हम लोग को लिखनी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह पुष्प में मादा जनन अंग होती है और यह तीन भागों से मिलकर बनी होती है। तीन भागों से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन से भाग होते हैं मैं यहां इनको मेंशन कर दे रहा हूं। पहला हम लोग का है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा हम लोग का है अंडाशय। तो ये तीन पार्ट हैं जो कि जायांग के हैं, ठीक है। तो ये पूरा संपूर्ण हम लोग का जो है एक पुष्प के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किनका क्या कार्य होता, वो मैंने आप लोगों को बताया। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के बोर्ड के एग्जाम के लिए है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।